तो बच्चों आज हम करने वाले हैं सरल लोलक की सहायता से L और T स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचकर G के मान की गणना करना। और इसके लिए हमें जो आवश्यक सामग्री लगेगी उसमें है सबसे पहले पेंडुलम। बच्चों दिखाइए पेंडुलम, हाँ पेंडुलम, धागा। पेंडुलम की त्रिज्या नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स दिखाइए। और आवर्तकाल निकालने के लिए स्टॉपवॉच। इसके साथ हमें लगेगा कुछ मीटर स्केल, एक वुडन स्केल। तो हम अब स्टार्ट करते हैं सरल लोलक का प्रयोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी वर्नियर कैलिपर्स या किसी एक वैकल्पिक विधि के द्वारा हम इस गोलक का, इस सरल लोलक की त्रिज्या निकालना। बच्चों रिया और मोनिका देखिए एक नई विधि से, नए तरीके से त्रिज्या निकालने की कोशिश करेंगे। इसको दो स्ट्रिप्स के बीच में हमने लोलक को फंसा दिया है, पेंडुलम को फंसा दिया है, वहां पर मार्किंग कर ली है, उस मार्किंग को मेजर कर लिया है और वो मेजरमेंट जो आएगा वो डायमीटर के बराबर आएगा, इसके व्यास के बराबर आएगा और इसकी आधी त्रिज्या होगी। तो रिया आप इसको नाप के बताइए कि कितना होगा। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी, इसका रेडियस होगा, इसका आधा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज और है, इसमें हुक की लंबाई देखिए, हुक की लंबाई कितनी होगी इस गोलक के, इस पेंडुलम के हुक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों जो लंबाई है, ये हुक की लंबाई प्लस हमारे पेंडुलम की त्रिज्या, ये पेंडुलम की प्रभावकारी लंबाई में ऐड होती है। तो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे।